मिनट पहले नहीं आ सकते? कितने बार का है, जूते बाहर निकाल के आया करो। उम्र सारी सतीश जी आपके फैन। फिर कर ले लेना। अरे छोड़ दो, ये मैं कर देता हूँ। आप खाना बनाओ, कोई और काम कर लो। मैंने कह दिया मैं कर दूंगा। यार इसका किसी डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। चलो कल डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। हाँ जी सर बोलिए। लोग साहब ये मेरी मिसेज ममता, तो इनको जैसे ना भी हाथ धोते रहते हैं सारे दिन, साफ सफाई की बहुत ज्यादा चिंता रहती है इनको, और ये जैसे कि एक बार सफाई कर भी लेते हैं फिर भी बार बार उसको करते रहते हैं, टॉयलेट में ज्यादा समय लगाते हैं जैसे नहाने में, और तो ये इनको दिक्कत। सर कितना टाइम हो गया इनको प्रॉब्लम को? इस समस्या को देखते हुए हो गए लगभग एक वर्ष हो चुका है। तो सर इसका जैसे ना आप ऐसा करो, इसमें मैं अभी दवाइयाँ लिख देता हूँ आपको, और दवाइयों के साथ साथ इसको काउंसलिंग की जरूरत है, ठीक है? लो सर ये मेडिसिन वगैरह दोनों को दे देना, ठीक है? और ये टेबलेट है, और इनकी ना साथ में काउंसलिंग भी जरूरत है, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग जरूरी है। हाँ ठीक है सर, हम लोग काउंसलिंग करवा लें। हाँ ओके सर, थैंक यू। Excuse me.
क्या चल रहा है? बार बार कपड़े धो रही हो? पता नहीं क्या हो गया, सब गंदा गंदा लग रहा है। गंदा गंदा लग रहा है? कपड़े कितनी बार ही धो लो, गंदगी साफ ही नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसा क्या? कोई भी सफाई ढंग से नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें कोई दोष हो गया है। अच्छा, यहाँ पास में है ना एक बाबा आया हुआ है, उनसे इलाज करवाती हूँ मैं, लेके चलती हूँ, ठीक है आपको? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, निकल जाओ। आओ बेटा, क्या व्याधि है? बाबा जी, मेरी बहन बहुत परेशान रहती है, बार बार सारा दिन कपड़े धोती रहती है, साफ सफाई करती रहती है। अच्छा, ये बात है। बाबा जी, कुछ समझ में नहीं आता, सब गंदा गंदा लगता है। शनि महाराज का दोष है, मिटाना पड़ेगा। आप तैयार हो इसके लिए? हाँ बाबा जी, बस इनका इलाज कर दो। बाबे को दक्षिणा दोगे? हाँ बाबा जी, दक्षिणा दे देंगे। जाओ बेटा, इलाज हो जाएगा तुम्हारा। एवं ज्ञातं कृतं कर्म पूर्वेरपि मुक्युः दुर्कर्मेव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। ठीक है बाबा जी ने कह दिया, इलाज हो जाएगा आपका, ज्यादा बहम मत करना। हाँ ठीक है। ओहो, निकलो। Thank you.
इसका तो इलाज करवाना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर ने कहा तो खांसी काउंसलिंग ओसीडी कोई समस्या है तो उसको काउंसलिंग से कैसे हल किया जाए, तो क्यों ना मैं इसमें देखूं कोई ऐसा तो मिल जाए तो मोबाइल में। मानसिक समस्या भर के देखते हैं। अच्छा ये राजेंद्र जोधपुरिया ओसीडी, हाँ ये ठीक है, ये जैसे इन्होंने बताया, हाँ सफाई के बारे में। हमने एक सेल्फ हीलिंग का कोर्स शुरू किया है जिसमें एक हफ्ते के लिए आपको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ये कोर्स अवेलेबल रहेगा ओसीडी डिप्रेशन फोबिया अन्य मानसिक रोगों के लिए। हाँ इसका भी यहीं से इलाज करवाते हैं। शुक्र है निकले तो हैं बाहर। क्या तुम सारे दिन सफाई और ये करते रहते हो, कुछ कभी तो फुर्सत होनी चाहिए। सारे दिन बाथरूम में, एक एक घंटा बाथरूम में, तुम्हारा खत्म नहीं होता। मैंने बाबा जी से इलाज करवाया तो था और साथ में दवाई भी ले लेना। अरे दवाई के साथ साथ उन्होंने काउंसलिंग का भी तो बोला था। चलो अब तुम्हारा इलाज करवा के लेके आता हूँ, आज मुझे सही ठिकाना मिल गया है जहाँ से आपका इलाज होगा। अच्छा ऐसा क्या? साइको गुरु टीम बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रीट करती है। चलो फिर अभी चलते हैं। चलो साफ सफाई की दिक्कत थी तो मैंने किसी डॉक्टर से परामर्श लिया था जी। तो उन्होंने दवाई दी थी और उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग जरूरी है, तो फिर मैंने इसका सर्च किया भी काउंसलिंग क्या होती है भी, ये जो ये भी एक बीमारी है, पहले मुझे पता ही नहीं था। तो इनको जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी की बीमारी है जी। तो वो जो है हम लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आए थे। हाँ जी बिल्कुल, ओसीडी का पक्का इलाज हो जाएगा। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच चुके हो। हमने ओसीडी के ऑनलाइन और ऑफलाइन हजारों ऐसे मरीजों को ठीक किया है और आपकी बीवी को एकदम ठीक कर देंगे। ठीक है सर, बस अभी से शुरू कर दीजिए आप। चलिए इलाज शुरू करते हैं। मैंने आपकी केस स्टडी से जाना है कि बचपन में आप बहुत सेंसिटिव थे, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी जिनसे आपका ओसीडी डेवलप हुआ है। आपकी एंग्जायटी चिंता को कम करने के लिए आज मैं आपको JPMR टेक्निक बताऊंगा। तो पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने वो किया? हाँ जी। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ अच्छा महसूस। एंजाइटी कम है? हाँ जी। आज हम हिप्नोथेरेपी का सेशन करेंगे। भगवत गीता का सेशन करते हैं। ये गीता लीजिए। आज का सेशन हमारा ERP का सेशन है। हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे, बाहर करेंगे फील्ड में। चलिए हाँ खोल लीजिए, हाँ खोल लीजिए। ये देखो मैं मिट्टी दिखा रहा हूँ, कोई एंग्जाइटी नहीं है। अब आपकी एंग्जाइटी बोल अभी आप JPMR कीजिए, गहरे लंबे सांस लीजिए।
से नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, एक बार एंजाइटी होगी उसके बाद कम हो जाएगी। जेपीएमआर हम करेंगे। एंजाइटी हो रही है? हाँ। आंखें बंद कीजिए और जेपीएमआर कीजिए। हाँ अब उठा के देखिए। एंजाइटी कम हुई? हाँ। देखिए ओसीडी का इलाज हुआ ईआरपी के द्वारा। इसी प्रकार बाकी मानसिक समस्याओं का इलाज भी ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग द्वारा। Hi guys, so this was the movie based on the topic that how OCD affect a person's life. OCD हमारा सुख चैन सब छीन लेती है। हम हर समय घबराए से रहते हैं, खुलकर जिंदगी जी नहीं पाते, हर वक्त विचारों में उलझे रहते हैं। आप भी अगर हर वक्त विचारों की दुनिया में उलझे रहते हैं और विचारों की इस गुत्थी को खुद से सुलझा नहीं पा रहे हैं तो आप भी दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया से, जो कि एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आप भी आज ही कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए, क्योंकि जिंदगी में महकेंगे फिर से खुशियों के रंग जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग।